हाईकोर्ट की ओर से रेलवे की 29 एकड़ भूमि खाली कराने के निर्देश आते ही अब एक बार फिर से मलिन बस्ती और बन फुलपुरा के निवासियों की नींद उड़ गई है। हर किसी को अपने आशियाने के उजड़ने की चिंता सता रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी बन फुलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश दिए। अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते में नोटिस जारी कर हटाने को कहा गया है। हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं तो हमें घर दिए जाएं, हम अपने जरा जरा सारे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमें जमीन दें या तो फिर हमें यहीं रहने दें। हम यहाँ बहुत सालों से रहते चले आ रहे हैं, हम पैदा यहीं हुए, हमें यहीं मरना है और यहीं जीना है, वरना हमें उखाड़ लेना है यहाँ से। हम यहीं मरना चाहते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएं, वरना हमें जगह दी जाए कहीं। हल्द्वानी 70% नजूल है, वहाँ पे उन लोग पे कागज थे सबूत के साथ कि ये नजूल भूमि है। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि रेलवे और राजस्व का संयुक्त सीमांकन करें। राजस्व की भूमि जो होती है सरकारी भूमि होती है, और नजूल हल्द्वानी 70%, और जिसमें सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है, नजूल मुसलमान भी रहने, सिख भी रहने, ईसाई भी रहने, बिल्कुल नहीं। सीमांकन तो रेलवे ने एफिडेविट सबमिट कराया कि हम सीमांकन कर ही नहीं पाएंगे। उन्होंने तो अंदाजन लगा दिए, जो खंभे उनके लगे थे अंदाजन लगा दिए उन्होंने, सीमांकन तो है नहीं।